हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेया आर्टिस्ट दिस इज कोमल सिंह सिरा एंड दिस इज रणधीर प्रताप सिंह एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड जिसमें हम अपने घरों से एक वीडियो कॉल के थ्रू अपने सब्सक्राइबर्स से और अपनी श्रेया आर्टिस्ट फैमिली से कनेक्ट करते हैं। हमें इन वीडियो कॉल्स पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमारी भ्रमताल सीरीज से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट टॉक टू आवर पीपल। हम इस वीडियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स के जो उन्होंने हमारे से थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जिनका हम इन वीडियोस के थ्रू जवाब दे सकते हैं, जो पॉसिबल है फिजिकली जवाब देना, तो हम उनके जवाब इसमें से देंगे। और आज भी हमने 3 क्वेश्चंस पिक करे हैं अपने सब्सक्राइबर्स के, तो स्टार्ट करें फिर। आज हमें क्या क्या लोगों के जवाब देने हैं और उन्होंने क्या क्या सोच रखा है और हमारे से क्या क्या पूछा है। चलो करें। तो हमारा आज का फर्स्ट सवाल पूछा था संत जी ने, उनका नाम है SANT, संत था, कोई सरनेम नहीं था, तो मैं बस इस जी मेरा खुद का लगाया हुआ है। हम सबको प्यार उससे इन ओपन आर्म से वेलकम करते हैं। तो उन्होंने हमारे से पूछा था कि R&D बिफोर ट्रिप, मतलब मैं ब्रीफ में कर रहा हूँ, मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं उनके क्वेश्चन को बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि आप लोग R&D कैसे करते हो, मतलब रिसर्च कैसे करते हो अपने एक ट्रिप से पहले। पहले हम एक जगह फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस जगह पे जाना है, और उसके बाद हम अपना एक रूट फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस रास्ते से उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उसके बाद हम एक सिट डाउन करते हैं, एक रणधीर पॉइंट रखता है, एक मैं पॉइंट रखती हूँ, और उसके बाद हमें एक मतलब उस रूट पे हमें कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कहाँ हमें रेस्ट चाहिए, तो हम वो फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जब हम हाईवेज पे होते हैं तो हम एक मैक्सिमम टारगेट अपना 500 किलोमीटर का रखते हैं, लेकिन वही जब हम माउंटेन्स में हम मैक्सिमम अपना 150 किलोमीटर रखते हैं, अदरवाइज हमें कोई सर्किट करना होता है तो 20-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, मतलब वो वेरी करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और इसको हम मैक्सिमम अपना टाइम देते हैं, क्योंकि इस पे हमारा बेसिक जो रूट है वो फाइनलाइज हो जाता है, और उसके बाद हमें ये नहीं लगता कि हमें कहीं पे प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि रूट और डेस्टिनेशन फाइनलाइज करने के बाद ही हमारे को पता लगता है कि हमारी वीडियो किस तरीके से बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी, क्योंकि गांव भी और वो विलेजेस और वो सिटीज एक पिक करते हैं हम, तो वो बहुत एक मेजर फैक्टर प्ले करता है कि हमारी वीडियोस किस टॉपिक पे बनेंगी। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव पार्ट है हमारे, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं हम। तो इसके बाद हम अपने गेयर की प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम किसी रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन करते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अगर कहीं कोई ब्रेक डाउन हो जाए बाइक का, या कोई मतलब कुछ भी दिक्कत आ जाए, तो उससे हम अपने आप को बाहर कैसे निकालेंगे। अगर कोई रिमोट एरिया में जा रहे हैं तो हमें बाइक के स्पेयर पार्ट जरूर रखने होते हैं, फूड वगैरह कैरी करना होता है, और हमारे को SOS का भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इमरजेंसी पड़ती है तो हम कैसे सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे। उसके लिए मोस्टली प्रिपेयर होते हैं आपको एटलीस्ट, बस अगर आप बाइक ट्रैवलर हो तो, या इवन आप कार ट्रैवलर हो तो आपको अपनी व्हीकल का नो हाउ पता होना चाहिए कि आप मतलब इतनी डिफिकल्ट टेरेन पे जा रहे हो तो अगर कुछ होता है तो आपको बेसिक चीज़ें तो आती है ना, कि आप एक नो वेयर से एक सिविलाइजेशन तक पहुंच सकते हो जहां पर आपको हेल्प मिल जाए। तो इसलिए R&D और रिसर्च और मतलब प्रिपरेशन एक ट्रिप से पहले बहुत ज्यादा मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपकी ट्रिप को स्मूथ बनाने में। हमें कई बार गेयर भी खरीदना पड़ता है, और लगेज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि आप क्या लेके जाओगे, वो डिपेंड करता है कि भी आप किस जगह जा रहे हो। Exactly. अगर आप विंटर में जा रहे हो तो आपको उस हिसाब से क्लोथ लेके जाने हैं, और जब आप समर में जा रहे हो तो उस हिसाब से क्लोथ लेके जाने हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी आपको कपड़े लेके जाने हैं हमेशा कम लेके जाने, ये हम चीज अब सीख गए, ये हमने वक्त के साथ सीखी है, ये मैं आपको नहीं कहती, क्योंकि अब जब आप इनिशियल ट्रिप करोगे तो आपको लगेगा यार सब ले जाओ, कुछ भी दिक्कत पड़ेगी, बट मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जितना कम कैरी करोगे ना उतना आपकी बाइक पे वेट कम होगा और आपको उतना इजी होगा ट्रैवल करने में। ये बहुत एक बहुत बड़ी ट्रिप दी है कोमल ने, सल्यूट। होपफुली आपको अपना आंसर मिल गया होगा। तो रणधीर हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जी मैडम जी, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का हमसे पूछा था निखिल शिवाले ने, जिन्होंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसके आपको ब्रीफ्स कट करके बता रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन्स, और कि आपका ट्रिप स्मूथ कैसे निकलता है एंड उसकी एक्चुअल रियलिटी क्या होती है, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको आती हैं, क्योंकि रियलिटी इज़ ऑफन डिफरेंट दैन वट वी शो। और मतलब ऐसे कुछ पार्ट्स जो आपके साथ ट्रिप पे होते हैं जो आपके फाइनल कट में, आपकी फाइनल वीडियो में नहीं आते। जनरली बिहाइंड द सीन्स, जैसे आपने देखा हो काफ़ी यूट्यूबर्स अपने ट्रिप के बिहाइंड द सीन्स डालते हैं और हम वो नहीं डालते, वो इसलिए है कि हम जब भी कोई ट्रिप करते हैं तो हम अपने आप देखना, हम ट्रिप्स में पूरा एंटायर डे का व्लॉग करते हैं, सनराइज टू सनसेट हम पूरा दिखाते हैं, तो हमारा उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उसमें बिहाइंड द सीन्स कुछ और कर रहे हैं। हमारी वीडियोस एक एक घंटे की इसलिए बनती है क्योंकि हम उसमें सब कुछ डालते हैं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसमें हम कुछ छोड़ दें कि यार ये नहीं है वीडियो में, क्योंकि इसी वजह से हम अपनी वीडियोस में कई जगहों पे फुलिश भी दिख रहे होते हैं, कैसे भी दिख रहे होते हैं, तो हमारे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे को होता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लोगों को दिखना चाहिए और जो चीज़ हमारे साथ बीत रही है वो होना चाहिए। तो हमारे ट्रिप्स जो स्मूथ इसलिए जाते हैं, जैसे हमने लास्ट आपको आंसर दिया,
कि हम प्रिपरेशन बहुत करते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, तो उसके कारण हमारी जो ट्रिप्स होते हैं हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम बाइक चला रहे हैं तो हमें व्लॉग्स भी बना रहे हैं, व्लॉग्स बनाने के साथ साथ अगर कोई बहुत अच्छा सीनरी हमारे सामने आ गई तो हमने और करके नहीं देखी जाना उसको, हमने उसको रिकॉर्ड भी करना है और आप लोगों तक उस चीज को पहुंचाना भी है। तो इसलिए रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि जो पार्ट आपने देखा वो हमने रिकॉर्ड करके दिखाया आपको, लेकिन हम पूरा पूरा दिन ट्रैवल कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो मतलब पूरे दिन गर्मी धूप सर्दी में बाइक अगर हम चला रहे हैं तो उसके साथ हमें साइमल्टेनियसली कैमरा भी ऑन करना होता है। कई बार तो बहुत ज़्यादा लगता है कि यार एक बार बाइक चलाओ वो चलाओ, कभी कभार दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है कि क्या अब क्या करना है, फिर उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जरूर है। मुझे ना बस डिफिकल्ट पार्ट पता है क्या लगता है, जब मैं बाइक पे ट्रैवल कर रही हूँ एक लड़की वाला डिफिकल्ट पार्ट है कि जब ना मैं हम लोग क्योंकि हेलमेट पहनते हैं तो मेरे को चोटी नीचे बनानी पड़ती है ताकि मेरे हेलमेट आ जाए, ठीक है। फिर जब हमें ब्लॉगिंग करनी होती है वैसे ही मुझे हेलमेट उतारना होता है, मुझे अपने बाल सेट करने होते हैं एकदम अच्छे से, और फिर मैं देखूँ उसको, और फिर जब मेरे को दोबारा हेलमेट पहनना है तो मैं वापस उस चोटी को नीचे करूँ, तो मुझे वो थोड़ा इरिटेशन पड़ लगता है, स्पेशली जब गर्मी हो तब मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता। बाल कटवा ले अपने सारे, बॉयकट। मैं सोच रही हूँ मैं बॉयकट करवाऊंगी तो कैसे, एलन जैसा करा ले, मेरे को नहीं बोल रहा मैं अच्छी लगूंगी। तो मैंने कब बोला कि गंदी लगेगी भाई, खुद ही। वी होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी, कि हम बिहाइंड द सीन्स ज़्यादा होते नहीं हैं, हमारे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता हमारे डे का जो फाइनल कट में मिस कर जाए, क्योंकि हम ऐसे ही हैं और हमारा वही फाइनल कट होता है। हम उसमें मतलब ऐसा नहीं कि हम कैमरा ऑन करते तो हम एकदम से एक बटन स्विच करते हैं कि हम चलो व्लॉगिंग मोड में आ जाते हैं, नहीं, दिस इज़ ऐसा। अगर आप हमसे कभी रियलिटी में भी मिलोगे तो हम ऐसे ही हैं, उसमें कोई पार्ट नहीं है जो हम उसे छुपा के बोलते हैं, हम छुपा के कुछ बनाते हैं, वो रियलिटी वही है हमारी। अगेन डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हम उस चीज़ को रादर देन वरी करने के बजाय हम कोशिश करते हैं कि वो वीडियो अच्छी बने ज़्यादा, तो फिर एनर्जी सही जगह डाइवर्ट हो जाती, तो उसमें डिफिकल्टी हमें ज़्यादा होती नहीं। हमें इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती क्योंकि हमें वो काम करना अच्छा लगता है, इसलिए हमारी एनर्जी जो है वो अपने आप डाइवर्ट हो जाती है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सूरज विश्वकर्मा ने हमसे पूछा है कि एक बहुत मेजर इशू है वॉशरूम अवेलेबिलिटी का, टॉयलेट अवेलेबिलिटी का, स्पेशली अगर आप एक फीमेल पार्टनर के साथ या एक फीमेल के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। और इनका एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी था कि आप लगेज कैसे प्रिपेयर करते हो लॉन्ग राइड के लिए। ये एक बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, तो इसको हमने सेकंड पार्ट को कट कर दिया क्योंकि उसका जवाब हम अभी दे नहीं सकते। जब हमारे पास हमारी बाइक आएगी और हमारा लगेज आएगा तो उसके साथ हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे लगेज प्रिपरेशन की, तो इसको साइड करते हैं। हम टॉयलेट अवेलेबिलिटी वाले के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। ये थॉट हमेशा माइंड में रहता है, मुझे इसमें कोई वो नहीं फील हो रही, शर्म शेम नहीं आ रही कि ये कोई एक बहुत मेजर इशू है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको लू वगैरह जाना हो तो आप कहाँ जाओगे, ऐसे हर जगह स्टॉप्स नहीं होते, तो वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको एक पूरा एज एन एरिया आपको अफेक्ट करती है कि मतलब जैसे कौन कौन सी जगह आप जा रहे हो, मतलब जैसे अगर आप एक बहुत रिमोट एरिया में जा रहे हो, जैसे अगर आप लद्दाख वगैरह ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सुबह ही फ्रेश होकर निकलना पड़ेगा, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको थ्रू आउट पूरे रास्ते में कहीं वॉशरूम नहीं मिलेगा। आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा। और जैसे अगर आप पंजाब की साइड जा रहे हो तो सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे पंजाब वाली साइड का ये लगता है, पंजाब और हिमाचल की तरफ आप जाते हो जब, कि इस तरफ आपको हर 50-40 किलोमीटर्स पर आपको मिल जाते हैं रेस्टोरेंट्स और उनमें आपको वॉशरूम इजीली अवेलेबल होता है। पंजाब हिमाचल की साइड तक मतलब काफी दूर तक आपको वॉशरूम्स आराम से मिल जाएंगे, क्लीन भी होते हैं। जब आप राजस्थान से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको मेन हाईवे पर काफी वॉशरूम्स के ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन जैसे आप किसी रिमोट एरिया में एंटर करते हो कि जैसे जैसलमेर जाते टाइम या फिर बीकानेर जाते टाइम, तो तब आपको वॉशरूम्स नहीं मिलेंगे और काफी काफी दूर तक नहीं मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तो या तो वो लॉक्ड होंगे या फिर वो साफ नहीं होंगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती है हर जगह ही होती। बट रिमोट एरियाज का एक फ़ायदा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जंगल या मतलब आपको अपना नेचर कॉलिंग को कहीं पर नेचर में करना पड़ेगा। बट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है रिसेंटली, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा बट रिसेंटली कमिंग मतलब रिसेंट 1-2 ईयर्स में, जो रिमोट एरियाज के पेट्रोल पंप होते हैं ना, फ्यूल पंप, वो बहुत क्लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं, स्पेशली राजस्थान जैसलमेर की तरफ वाली साइड, वहाँ के वॉशरूम मैंने इतने साफ देखे हैं जो जितने कई होटल्स के भी साफ नहीं होते। मतलब दिल्ली टू बीकानेर के बीच में जो राजस्थान, जयपुर टू राजस्थान वाली बेल्ट है, उसमें जितने भी पेट्रोल पंप हैं सबके वॉशरूम अल्ट्रा क्लीन होते हैं, सीरियसली। तो इस चीज़ को यहाँ पे पर्सनल डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वॉशरूम्स नहीं बने हुए तो कई जगह जो मतलब कोई लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन ये सीरियस चीज है, ट्रैवलर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये तो एज अ होल कंट्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि फिर हमारे पूरी इस बात को ही ओवरऑल कोई सीरियसली नहीं लेता,
वॉशरूम्स वाली बात को, बट ये एक इशू रहता है। तो सबसे सिंपल इसका ऑप्शन यही है दोस्तों कि आप सुबेरे अपना पूरा टाइम लेकर अपना पूरा इजी होकर निकलो कि आपको शाम तक नींद ना पड़े, और चाय मत पीना रास्ते में वरना गेम ओवर। क्योंकि मेरे साथ होता है भाई ये, तो कुछ भी खा लो, चाय पी लो भाई, नेचर कॉलिंग आ जाती है। और तब भी हम ढीठों की तरह चाय पीते हैं, बट हम चाय सिर्फ तब पीते हैं दोस्तों जब हमें पता होता है कि हमारी रक्षा कर ली जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो ना? मतलब कि जब हमें पता होता है ना कि हम मरेंगे नहीं, कि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास फॉल बैक है, सिर्फ तब हम चाय का सेवन करते हैं। क्योंकि चाय एक बहुत डेंजरस ऑप्शन है, वो लगता टेस्टी है बट वो आपकी, पर वो वेरी वेरी डेंजर हो जाता है। तो आज हमने दोस्तों यही 3 क्वेश्चन के जवाब देने थे। हाँ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया, लेकिन आज मैं आपको बता जाऊंगी कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में, क्योंकि वो तूफान का वार्निंग है, इस करके मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे इधर कल भी भी अच्छा मौसम था, बहुत आज भी अच्छा हो रहा है, अच्छा बट अगेन हम प्रे करते हैं गुजरात और बॉम्बे वालों के लिए कि वहाँ पर मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो आप लोग अपने घरों से मत निकलो। है। होपफुली स्टे हेल्दी, स्टे न, सेफ। और एज सच और कोई बात है नहीं दोस्तों, हम यही वीडियो जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि आप लोगों से कनेक्टेड रहें, कोई लंबा गैप ना है, क्योंकि हम अगेन बोल रहे हैं कुछ अच्छा हम प्लान कर रहे हैं। और किसी को सवाल हो और कोई बात आपको जाननी हो, अगर हम आपका जवाब दे सकेंगे तो हम ज़रूर देंगे। तो जैसे कोमल इशारा कर रही है, आप कमेंट डाउन कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बता दो। ये तूने लाल लाल क्या पहन रखा है? ये मेरा नाइट सूट है, न्यू नाइट सूट? अपने काम को तो इतना प्रोफेशनली लेती है कि तू नाइट सूट पहन के आती है? कॉलर वाला नाइट सूट है, इसलिए प्रोफेशनल है। नहीं तुम गोवा के बीच में घूमने जा रहे हो क्या, जो तुम फ्लावर प्रिंट्स पहन के घूम रहे हो? हमारा यहाँ पे राजस्थान में आज मौसम ऐसा हो रखा है कि यहाँ पे गोवा का बीच ही लग रहा है अच्छा, इरशाद। तो बस दोस्तों हमारे पास बातें खत्म हो गई हैं। चल इरशाद, ठीक है, तेरा चल इरशाद हो गया, अब मैं इरशाद। तेरा मुंह तोड़ दूंगा, खत्म कर लेंगे मुझे वीडियो। तो बस दोस्तों हमारे पास बातें खत्म हो गई हैं और इसको टैग पढ़ने लग गए हैं, तो इससे पहले ये बार आ जाए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, आई होप आपको मजा आया हो, आपको पता है क्या करना है। तब तक के लिए वेयर डू वी गो।